हेलो ग्रेट फाइव, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड स्टेइंग एट होम. सो टुडे वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 6, एयर एंड इट्स यूजेस. ओके, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एयर इज एयर टेक्स अप स्पेस. दैट मीन्स जो एयर है वो क्या है, स्पेस लेती है. इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी की गई है. टेक एन एम्प्टी ग्लास, एक खाली ग्लास लो एंड टर्न इट अपसाइड डाउन एंड प्लेस इट अंडर वाटर इन अ ट्रफ. क्या करना है, उसको एक भरे हुए बीकर में या फिर बर्तन में या फिर बाल्टी, कोई भी आपके पास हो, उसमें उस खाली ग्लास को ऊपर से नीचे की तरफ पुश करो. सो यू विल फाइंड दैट द वॉटर डज नॉट एंटर द ग्लास. जो पानी है वो ग्लास में एंटर नहीं करेगा. वाई? वॉटर कैन नॉट एंटर द ग्लास एज इट इज़ फुल ऑफ एयर. पानी तब तक एंटर नहीं करेगा जब तक उसमें एयर है. ओके, द एयर कैन नॉट गेट आउट बिकॉज इट वेट लेस देन वॉटर. अब एयर वहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि जो उसका वेट है वो पानी से कम है. नाउ टिल्ट द ग्लास. अब थोड़ा सा गिलास को टेढ़ा करो और फिर डालो. सो व्हाट डू यू सी? आप क्या देखोगे? व्हेन द ग्लास इज टिल्टेड, जब हम ग्लास को टिल्ट कर रहे हैं तो जो एयर है जो उस ग्लास में प्रेजेंट थी गेट्स अ पाथ टू एस्केप आउट ऑफ इट. तब उसको क्या है, एक स्पेस मिल जाता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए. एंड दिस अनेबल्स, और इससे क्या होता है, जो वाटर है वो ग्लास में एंटर कर जाता है और अपना लेवल भी वो बढ़ाता है. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एयर हैज़ वेट. तो एयर में कुछ ना कुछ वेट भी होता है. उसको प्रूव करने के लिए टेक टू आइडेंटिकल डिफ्लेटेड फुटबॉल्स. दो एक ही साइज़ की फुटबॉल लो एंड दे शुड बी एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज. दोनों सेम साइज़ की होनी चाहिए. एंड इन्फ्लेट वन ऑफ देम. ठीक है, एक में से एयर को रिमूव कर दो. एंड कीप देम ऑन द टू पेंस ऑफ अ बीम बैलेंस. एक बीम बैलेंस लो जो कि आप फिगर में देख रहे हो. ठीक है, बीम बैलेंस लो एंड यू विल सी. आप क्या देखोगे, जो इन्फ्लेटेड बैलून है वो क्या है, हैवियर है. जिसमें हवा भरी हुई है वो वाला हैवी है एज कम्पेयर टू उस फुटबॉल के जिस फुटबॉल में एयर नहीं है. ओके, सो दिस शो दैट एयर हैज़ वेट. तो इस एक्टिविटी से क्या शो होता है कि एयर में वेट होता है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर इज़ यूज फॉर बर्निंग. जो एयर है वो बर्निंग में भी यूज़ होती है. फायर विल नॉट बर्न इफ देयर इज़ नो एयर. अगर हवा नहीं होगी तो कुछ जल नहीं पाएगा. ठीक है, फायर बर्न नहीं कर पाएगी. व्हेन अ फायर डज नॉट बर्न प्रॉपरली, जब एक फायर सही से नहीं जल पाती है तो पीपल ब्लो ऑन इट सो दैट मोर एयर रीच द फायर. ठीक है, फायर फिक्स थ्री कैंडल. अब इसको हमने प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, 3 कैंडल्स ली हैं, टेबल पे ली हमने एंड लाइट द कैंडल्स. अब कैंडल को हमने क्या कर दिया, जला दिया. ठीक है, लाइट कर दिया एंड लीव वन कैंडल ओपन टू द एयर. अब एक कैंडल को हमने ओपन एयर में रख दिया है एंड प्लेस अ स्मॉल जार ओवर द सेकेंड कैंडल. और सेकेंड कैंडल के ऊपर क्या है, हमने जार रख दिया. और फिर हमने क्या किया, एक लार्ज जार थर्ड कैंडल पर रख दिया. ठीक है, विच कैंडल बर्न फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कौन सी कैंडल लंबे टाइम तक बर्न होगी, फर्स्ट वाली. क्यों? क्योंकि उसको एयर कॉन्टिन्यूसली मिल रही है. सो यू विल ऑब्जर्व दैट द कैंडल इन द स्मॉलर जार एक्सटिंग्विश फर्स्ट. जो छोटे जार में जो कैंडल है सबसे पहले वो बुझेगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कम अमाउंट ऑफ एयर है. ठीक है, और जो कैंडल लार्ज जार में है वो थोड़े से लंबे टाइम तक जलेगी. ठीक है, एंड हाउ एवर द कैंडल इन द ओपन, जो ओपन में कैंडल है वो वाली कैंडल लंबे टाइम तक चलेगी. क्यों? क्योंकि उसको हमने ओपन में रखा है. तो ओपन में रखने से क्या होगा, जो उसको एयर है, क्योंकि एयर चाहिए ना बर्निंग के लिए, तो वो उसको एयर कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होती रहेगी. ओके, आफ्टर दैट
फोर्थ प्रॉपर्टी इज एयर एग्जर्ट प्रेशर, जो एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है. सो एयर टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट, एयर स्पेस लेती है और उसमें कुछ वेट भी होता है. एनीथिंग दैट हैज़ वेट एग्जर्ट प्रेशर, कोई भी चीज़ जिसमें अगर वेट होगा तो वो प्रेशर भी एग्जर्ट करेगा. सो एयर ऑल्सो एग्जर्ट अ लॉट ऑफ द प्रेशर, तो जो एयर है वो क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक है. एंड दिस प्रेशर एग्जर्टेड बाय लेयर ऑफ द एयर, अब जो ये प्रेशर है जो एयर की लेयर है उसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. एंड इट इज़ मेजर्ड बाय द मीन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द बैरोमीटर. सो एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर. सो देयर इज़ अबाउट 1 kg ऑफ एयर प्रेसिंग ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. हमारे हर बॉडी पार्ट पर एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है. एंड वी डू नॉट फील द प्रेशर, अब हम तो वो प्रेशर फील नहीं करते. क्यों नहीं करते? बिकॉज इट एक्ट्स ऑन आवर बॉडी इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है. क्योंकि हमारी बॉडी भी उस पर इक्वली उतने ही प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, तो प्रेशर बैलेंस हो गया ना, ठीक है. सो द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर प्रेसेज इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, तो जो एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगाती है एज कम्पेयर टू डाउनवर्ड, ठीक है. पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था ना, ठीक है. सो द रेस्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके. Till then, if you have any doubt, then you can ask me. Okay? So, take care. Bye-bye.